जब से निधि झा और यश कुमार मिश्रा ने सगाई की है तभी से लोगों का ये सवाल सामने आ रहा है कि क्या अंजना सिंह को इन सब चीजों के बारे में पता था या नहीं। तो हम आप सभी को बता दें कि अंजना सिंह ने हाल ही में दिया है एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने इन सब चीजों के बारे में खुलकर बात की है और इस सवाल का भी जवाब दिया है। तो अंजना ने क्या कहा है ये बात हम आप सभी को बताएं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप सब इस चैनल के माध्यम से कोई प्रचार कराना चाहते हैं या फिर अपने टैलेंट को हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। निधि और यश के एंगेजमेंट पर अंजना ने कहा कि हाँ, मुझे पहले से पता था कि उनकी सगाई होने वाली है और मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए मैं अपने फैंस से कहना चाहूंगी कि जैसे जैसे कमेंट्स मैंने पढ़े वो सही नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों को उनके आने वाले जीवन को लेकर बधाइयां दी थी और पोस्ट के नीचे लोगों का जो कमेंट्स था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था निधि और यश को लेकर। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, दोनों ने एक नए और अच्छे चीज की शुरुआत की है, तो आप लोग उन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। अंजना ने आगे कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब माँ बाप शादी कराते हैं और रिश्ता टूट जाता है तो हम माँ बाप को दोष देते हैं और कभी कभी हम खुद प्यार में शादी कर लेते हैं और लव मैरिज नहीं चल पाती है, नेचर नहीं मैच हो पाता है, तो इसलिए ज्यादा झगड़ने से अच्छा है अलग रहो, खुश रहो। अंजना ने आगे कहा कि कोई भी रिश्ता अगर टूटता है तो तकलीफ होती है, अजीब लगता है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि चीजों को लेकर और पास्ट को लेकर कुरेदने से अच्छा है कि मूव ऑन कर लो, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है इसलिए सबको खुश रहना चाहिए। तो जी हाँ, बड़े ही आसानी से अंजना ने अपने फैंस के मन में चल रहे हजारों सवालों का जवाब दे दिया है। अंजना के इस बयान पर आप सबकी क्या है राय बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।